अम्मी इधर बैठे आप। अम्मी अम्मी आप क्यों रो रही हैं? अम्मी मुझे देखिए, आप क्यों रो रही हैं? आपने कुछ गलत किया है? लोगों को इस बात की परवाह नहीं होती कि गलत क्या है और सही क्या है, वो बस उसी बात को सच मानते हैं जिस पे उनका दिल यकीन करता है। तो लोगों के बारे में सोचना क्या हमारा फर्ज है? आप जानती हैं ना, इनका और नायला का एक ही मकसद है, हमें तंग करना। और ऐसे लोगों का बेहतरीन इलाज होता है कि वो कुछ भी करें, हमें तंग होने की जरूरत नहीं है। अम्मी अगर सलीम साहब को पता चल गया तो, और अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया तो? अम्मी वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, बल्कि आज मैं उनसे पूछूंगी। आने दें उनको, मैं करूंगी उनसे बात। क्या बात करोगी तुम? तुम उनसे कुछ नहीं पूछोगी, तुम उनसे कोई बात नहीं करोगी। वो गुस्से के बहुत तेज हैं, पता नहीं क्या कर बैठे। मैं बात करूंगी, मैं जुनैद से बात करूंगी, वो समझा देगा इन लोगों को। अम्मी आपको जुनैद पे इतना क्यों यकीन है? आपको क्यों लगता है कि वो आपका साथ देगा? वो सच का साथ देगा, वो नेक बच्चा है, मुझे ना अपनी माँ की जगह समझता है। इन लोगों से मुख्तलिफ है, वो सबसे अलग है। सलीम साहब तो गुस्से के तेज हैं, बात तो जुनैद से करनी पड़ेगी, वो समझेगा मेरी बात, उसी से करूंगी बात। आप सच कह रही हैं खाला जान, सिकंदर ने ये कहा है कि उसको मुझसे नहीं सोया से शादी कर। भाई नहीं कहेगा तो जबान ना मैं खींच लूंगी उसकी। तुम्हें कैसे रद्द कर सकता है भला? कोई करने वाली बात करो बेटा, सच बताएं खाला जान, मैं किस बात को सच समझूं, जो मुझसे कह रही है या? अरे जो मैं कह रही हूँ उसी को सच समझ बावली। बैठ इधर, उसको तो मैंने सिर्फ जलील करने के लिए कह दिया था, अरे इन जैसियों का क्या भरोसा। देखना जो यहाँ फैक्ट्री सुपरवाइजर को फंसा सकती है तो क्या वहाँ दुबई में लाखों कमाने वाले मेरे बेटे को छोड़ देंगे? अरे माओ को सौ जतन करने पड़ते हैं अपने बच्चों को इन बलाओं से बचाने के लिए, समझा कर। वही तो खाला जान, मैं बहुत डर गई थी। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि उसने जुनैद भाई को भी फंसा लिया है। लोगों के खिलाफ एक बात नहीं सुनते वो, बल्कि आगे बढ़ बढ़ के उनके सारे काम करते हैं। हाय तौबा तौबा या इलाही, यानी सलीम भाई के बाद अब मेरा भांजा भी गया इनके चक्करों में। भाई क्या कहता है, शादी करेगा? नहीं नहीं खाला जान, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लगता है, शक है मुझे बहुत बात पर उनकी हिमायत जो करते हैं, यहाँ तक के उस सुहे की वजह से मुझसे भी मुमारी की। भाई तो और क्या मतलब हुआ भला इस बात का, देख लेना जान चढ़ेगा कोई ना कोई। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे, जुनैद की आंखों की पट्टी तो खोलूंगी मैं, अब खुद देखती हूँ कैसे होता है। आप गलत समझ रही हैं खाला अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। होगा भी तो तुम कौन सा मानोगे, पर जुनैद बेटा कोशिश करना कि कोशिश आप करना कि आइंदा ऐसी कोई बात ना हो। मैं जोया या उसकी अम्मी के खिलाफ, जो अब इस घर का फर्द है, कोई भी इखलाक से घिरी हुई बात नहीं सुनूंगा किसी से भी, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो। क्या कह रहे, सगी खालाओं में तेरी सगी खाला और तू उस औरत की वजह से? उस औरत को अब मैं माँ कहता हूं। के? मैं समझाती हूँ।